वाइस प्रेसिडेंट हैं चेयरमैन राज्यसभा के मसूरी में है लबसना स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो प्रेसाइड करते हैं वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा आज के सवाल है हु हैड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत पंचायत हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हु इज द हाइएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ़ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हुम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव्स इज रेजिग्नेशन स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है किस को एड्रेस करेंगे विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है प्रोबिटी प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स ऑनेस्टी डीसी तो ये बनता है प्रोबिटी डिसरे का मतलब है, इकोनॉमी है, में अभी स्लम्प चल रहा है सडन सीवियर और प्रोलॉन्ग फॉल इन द प्राइस वैल्यू अमाउंट ऑफ सम थी रेनसेक करना मतलब लूटना गो हरिडली थ्रू अ प्लेस स्टीलिंग थिंग्स एंड कॉजिंग डैमेज कॉलीज का मतलब सब वहां पर संबलित है कम टूगेदर टू तु फॉर्म वन मास और होल, so these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. aaj ke topics hain climate experts, theorist get physics Nobel. Physics Nobel announced hua तो जो climate में activities होती है, उसका इन्होंने modelling किया और उस बात पे इन्हें Nobel मिला है. Moody ने rating दिया है stable India को. फेरी सर्विस श्रीलंका के साथ दिस इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज इसके फाइन डिटेल्स देखते हैं दिस इज डिटेल इन रिलीफ कोविड नाइनटीन रिलेटेड जो कैजुअलिटीज हुई उसमें रिलीफ पैकेज देने के फाइन लाइन्स विद अ बैंक दिस इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रोडिक्शन मानसून आर बी आई का माइक्रो फाइनेंस प्रपोजल्स ऑकस और इंडिया मस्ट कीप इट्स हेड अबव वाटर द चैलेंज ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल द मैट ऑन द मैट दिस इज अबाउट कल्चर ऑफ एथिक्स पनिशमेंट ए लोन कैन नाट हेल्प विद पुलिसिंग क्रैक डाउन दअ होप ही स्ट्रैटेजिक गेंस चाइना डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन सिस्टम एवियेशन नए स्क्वाड्रन फोटी टू स्क्वाड्रन डिफिकल्ट है एयरफोर्स के लिए देन ऑनलाइन वीडियोज दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ इसके आज फाइन डिटेल्स देखते हैं क्यों ये इतना न्यूज़ में है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दैन डब्ल्यू टी ओ डेटा और आज ये जितनी अगस्त तक अपडेटेड वेटलैंड साइट्स हैं, इनको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे दिस इज सी सेट सोलूशन इन सर्टन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस दिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिन ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है फ़िज़िक्स का नोबेल मिला क्लाइमेट एक्सपर्ट्स को और थ्योरिस्ट को नाम क्या है दिस इज़ स्यू कुरो स्यू कुरो क्लॉज एंड दिस इज़ जियोजियो पेरिसी तो आप तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है वन फोर्थ वन फोर्थ और वन हाफ़ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है नोबेल प्राइज मनी का तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने डिसाइड किया है नोबेल प्राइज़ फ़िज़िक्स का फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ये जो तीन नाम है इनको मिला है प्राइमरली जो इनका वर्क है ना वो ये है कि अर्थ है अर्थ में क्लाइमेट है क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही है इन सब का एक फ़िज़िक्स मॉडल बनाए मैथमेटिकल मॉडल बनाए ताकि इन चीज़ों पैरामीटर्स को हम क्वांटिफाई कर पाए अंडरस्टैंड कर पाए और फिर उससे डिसीजन मेकिंग हो पाए तो फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम तो इसका इन्होंने फिजिकल एक मॉडल बनाया तो हाफ इसलिए मिला आपको मिस्टर जॉर्जो पैरिसी फॉर दिस मिस्टर स्यूकोरो को मिला एंड देन क्लॉज हैसलमैन को मिला फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको मॉडल करना Quantify वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्रिडिक्ट करना है एक्चुअली क्या नेचर में जैसे टेम्परेचर हम मॉनीटर कर रहे हैं वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स को विद इन रखना है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है इंडस्ट्रियल लेवल इराके टाइम का तो ये नंबर्स कैसे आएंगे हम बोलते हैं कि इतना कट करना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का बट वी नीड टू क्वान्टिफाई इट क्वान्टिफाई तो क्वांटिफाई करते हैं ना जो चीज़ नेचुरल चीज़ है तो उसके लिए एक मॉडल की ज़रूरत पड़ती है मॉडल जिसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं कुछ एक मॉडल बनाते हैं तो वो मॉडल से फिर प्रडिक्शन्स होते हैं तो इन तीनों का जो मेन वर्क है वो इन्होंने यही किया है कि जो अर्थ का कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं पैरामीटर्स हैं उसको क्वांटिफाई करो और एक मॉडल्स बनाओ और उस मॉडल्स के बेसिस पे फिर थ्योरीज और प्रिडिक्शंस आ सकते हैं सो so, इसीलिए इन्हें फिजिक्स का नोबेल मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल तो अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंटायर इको सिस्टम एवरी थिंग इज इंटरलिंक्ड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स तो ये पूरा उन्होंने मॉडलिंग किया है सो फॉर दैट यहाँ पे इन्हें फिजिक्स नोबेल मिला सेकेंड है न्यूज़ मूडी गिव्स स्टेबल रेटिंग टू इंडिया मूडी क्या है रेटिंग एजेंसी है इंडिया की रेटिंग क्या है बी डबल ए थ्री तो ये लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की ये लोवेस्ट रेटिंग है तो चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं है मूडी ने कहा कि रियल जीडीपी बढ़ेगी प्री पैंडमिक 2019-20 के लेवल तक उसको भी क्रॉस करेगी ऑनगोइंग जो इकोनॉमिक रिकवरी है पिकिंग अप स्टीम मतलब प्रोग्रेस हो रही है उसमें एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ रहे हैं ब्रॉडन हो रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स सो दिस इज़ गुड सो द पॉइंट इज इंडिया की जी डी पी रिकवर होनी चाहिए अभी भी इंडिया को बी डबल ए थ्री रेटिंग में रखा है मूडी ने स्टेबल नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया अब जैसे ये नोबेल प्राइज मिला ना तो ये एक मैसेजिंग भी जा रहा है बिकॉज आई पी सी सी की रिपोर्ट आई अभी IPCC की रिपोर्ट के बाद अब कॉप ट्वेंटी सिक्स क्लाइमेट समिट ग्लासगो तो दिस इज़ अ मैसेज कि क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं देना है और अगर उसमें फिजिकल साइंटिफिक मॉडल्स आते हैं तो क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को वो बैक करते हैं उसको स्ट्रेंदन करते हैं उस बिलीफ सिस्टम को सो वॉट वी आर इज़ दैट द मॉडलिंग ऑफ क्लाइमेट इज सॉलिडली बेस्ड इन फिजिक्स थ्योरी मतलब आप क्लाइमेट चेंज को जस्ट लाइक दैट इग्नोर या रिजेक्ट नहीं कर सकते दिस इज हैपनिंग दिस इज़ ट्रूथ तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है नोबेल कमिटी फॉर फिजिक्स थोर हांस ने कहा ये ओके okay. तो मतलब साइंटिफिक बैकिंग दिख रही है फिजिक्स की साउंड प्रिंसिपल दिख रहे हैं मॉडल्स दिख रहे हैं और जो बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग फेरी सर्विस है श्रीलंका से अवेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अप्रूवल दैन पीपल पेड फॉर ट्रीटमेंट डिस्पाइट पी एम जय तो अभी हम प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना को समझते हैं सो so ये फ्रंट पेज था द हिंदू का यहाँ पर रिक्वेस्ट है डायवर्ट वाटर की अनटेनेबल है आंध्रा एंड तेलंगाना में रिवर वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट चल रहा है एक आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरस्टेट दिस रिवर वाटर शेयरिंग एट्सेट्रा के लिए टेल उस आर्टिकल का नंबर क्या है ये फेरी सर्विस है श्रीलंका से एम ई ए अभी श्रृंगला साहब श्रीलंका गए और श्रीलंका के साथ रिलेशंस रीसेट करने की बात चल रही है अभी श्रीलंका अभी क्राइसिस में है इकोनॉमिक क्राइसिस है कोविड नाइन्टीन भी और चाइना के डेड ट्रैप में फंस चुका है सो इंडिया की तरफ वो हेल्प मांग रहा है लेट अस सी रीसेट होंगे टाइज अभी हम समझते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सी जो डिसीज़ होती है ना उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है एक तो ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आता है दूसरा जितने टाइम तक पर्सन ठीक नहीं है उतना उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी चली जाती है तो डबल वैमी है एक तो आपका खर्चा हो रहा है दूसरा इनकम बंद हो गई तो दैट इज़ बाई इस टाइम पर जो ट्रीटमेंट है उसमें एक सर्टेन सेफ्टी नेट इंश्योरेंस टाइप होना चाहिए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है पाँच लाख रुपये का पर फैमिली फैमिली में इंडिविजुअल नहीं पर फैमिली सेकेंडरी केयर में विच अ सुपर स्पेशलिस्ट एज वेल एज टर्जरी केयर विच इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट मतलब बीमारी हुई पूरे एक फैमिली का पाँच लाख रुपए का इंश्योरेंस है टर्जरी और सुपर टर्जरी तक की चीज़ें ठीक हो सकती है तो सरकार इसका वहन करेगी फाइव लाख रुपयी पर फैमिली सो दिस इज़ जन आरोग्य योजना अब ये क्या है कैशलेस पेपरलेस एक्सेस टू सर्विस है आपके पास कार्ड है आप कार्ड दिखाओ आपको इनफैक्ट पैसे की भी ज़रूरत नहीं है तुरंत ट्रीटमेंट आपको मिलेगा प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस तो दिस इज गुड जस्ट शो योर कार्ड दिस इज़ अ कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज इसमें हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस भी होंगे सर्जरी मेडिकल डे केयर ट्रीटमेंट मेडिसिन डायग्नोस्टिक्स सब कवर है इसमें पैकेज रेट भी होगा रेट्स दैट इंक्लूड एवरी थिंग सो दैट ईच प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट चार्ज फॉर सेपरेट सो द पॉइंट इज हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर्ड है फ्लैक्बल भी बट दे कान चेंज द बेनिफिशरी वंस फिक्स बाय द हॉस्पिटल तो फैमिली के जो मतलब रजिस्टर कराना पड़ता है फैमिली के मेम्बर्स तो पाँच लाख है वो पूरा फैमिली को दिया गया है डेली लिमिट प्रिस्क्राइब डेली लिमिट फॉर मेडिकल मैनेजमेंट स्कीम में प्रिस्क्राइब किया गया है तो व्हाट वी शुड बी नोइंग इज़ कि दिस इज़ जन आरोग्य योजना पाँच लाख रुपए पर फैमिली का यहाँ पे कैशलेस पेपरलेस एक्सेस है मेडिकल ट्रीटमेंट का अब बेनिफिशरीज इसके कैसे आइडेंटिफाई करें बिकॉज स्कीम्स में दो ही प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरी और दूसरा डिलीवरिंग दैट सर्विस टू दैट बेनिफिशियरी तो एंटाइटल बेस्ड स्कीम है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को भी इसने यूज़ किया है फंडिंग कहाँ से होगी सिक्सटीज़ टू फोर्टी रेशियो है सारे स्टेट्स के लिए यूटी के लिए नाइन्टीज़ टू टेन है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और कुछ हिमाचल हिमालय बिकॉज फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है तो हंड्रेड परसेंट सेंट्रली फंडिंग फॉर यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर तो नॉर्मल स्टेट के लिए सिक्सटीज़ टू फोर्टी है यूटीज़ विद देअर ओन लेजिस्लेचर नाइन्टीज़ टू सिक्सटीज़ टू फोर्टी है स्टेट और यू टी विद देअर ओन लेजिस्लेचर मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी नाइन्टीज टू टेन है नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर और इधर और हंड्रेड परसेंट है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर तो तीन कैटेगरी है साठ इस टू चालीस नब्बे इस टू दस और हंड्रेड परसेंट है यूटी विदाउट लेजिस्लेचर तो फंडिंग हो गई नोडल एजेंसी कौन होगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होगी इसमें ऑटोनोमस एंटिटी है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन के अंदर तो एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर आती है और ये इम्प्लीमेंट करेगी प्री एम जय स्टेट हेल्थ एजेंसीज़ भी बनेगी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे वो भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे देखेगी द पॉइंट इज अब इससे जो सवाल आएंगे ना वो ऐसे आएंगे कि जैसे कोविड नाइन्टीन है पेंडेमिक का टाइम है तो हेल्थ केयर को कैसे सेफ्टी नेट दें हेल्थ केयर एक्सेसिबल अफोर्डेबल कैसे बनाए इंश्योरेंस कैसे होना चाहिए तो उसमें हर जगह ये नाम लिखना ज़रूरी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पाँच लाख रुपए का इसमें कवर मिला है और ये फंडिंग है अब ये इसकी नोडल एजेंसी है अब जैसे एडिटोरियल है उसमें क्या लिखा है डिटेल इन रिलीफ जिन पर्सन की कोविड रिलेटेड डेथ हुई है उसको सरकार फिफ्टी थाउजेंड रुपी का एक्सग्रेशिया हेल्प करेगी प्रॉब्लम अगेन क्या आएगी प्रॉब्लम आएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में कि आप आइडेंटिफाई कैसे करो अब किसी के पास कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर कोविड हुआ रिकवर हो गया बट दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण डेथ हुआ देन तो देर आर सर्टेन फाइन लाइन्स तो कोर्ट ने यहाँ पे अगेन ये क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कॉज मेंशन इन द डेथ सर्टिफिकेट वुड नॉट बी कॉन्क्लूसिव बाय इट्सल्फ जैसे कोविड देन उसके बाद बहुत सारी डिसीजेज भी हुई थी तो अगर डेथ उस किसी डिसीज़ से हुई है तो ऐसा नहीं उसको डिनाई नहीं किया जाएगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ से कि आपके डेथ सर्टिफिकेट में कोविड नहीं लिखा है तो ये कॉन्क्लूसिव नहीं है इसको ओपन रखा है दूसरे पैरामीटर्स भी कंसिडर करे, करे जाएंगे अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड तो फैमिली तब भी एंटाइटल्ड होगी एक्स ग्रेशिया पेमेंट का तो ये ज़रूरी है बिकॉज कई बार क्या होता है सर्टिफिकेट मिलना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो जाएगा तो वो पर्पज़ डिली डिफीट होगा रिलीफ पहुंचाने का तो दैट इज़ वाई यहाँ पर लीनियंसी शो करने की बात है एडवाइस किया है अथॉरिटी को टू अवॉइड टेक्निकलिटीज इन प्रोसेसिंग क्लेम्स तो क्लेम्स भी एक टॉर्चर नहीं हो जाए क्लेम्स को लेना ईजी बनाया जाए स्मूदन करें पूरी प्रोसेस को सो दिस इज डिटेल इन रिलीफ अब इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड एक सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये योजना क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखिएगा बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक और कंटेंट है वहाँ पे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये क्या है इससे रिलेटेड आप पांच फैक्ट्स टिप्स में याद होने चाहिए जीए। जैसे जीएसटी हमने याद किया है ना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो फाइव टेन फैक्ट्स टिप्स में याद है तुरंत लिखिए वॉट इज दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब ये तो फैक्ट हो गया अब इसको करंट अफेयर से लिंक करना है कि अभी जो पैंडेमिक हुआ इसमें क्यों इतनी ज़रूरी है पीएमजे जय टाइप स्कीम्स जन आरोग्य योजना टाइप बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो ट्रीटमेंट में फाइनेंस का शॉर्टेज कोई एक चैलेंज नहीं आना चाहिए तो डिस्कस इट इन द बैकड्रॉप ऑफ हेल्थ क्राइसिस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक तो ऐसे सवाल लिखते हैं ना जब भी जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं आप उस पर अपने व्यू पॉइंट्स भी बता सकते हो डिस्कस करो मेरिट बेसिस में देखो कि ये क्या है पेंडेमिक में इसकी ज़रूरत क्या थी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप सोचो राइट इट डाउन ओके अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है विद बैंक आई ने डेटा वैसे आई पे डाउट हो रहा था इस बार इसका डेटा करेक्ट होगा नहीं बट करेक्ट बैठ गया क्यों बैठा बिकॉज सेप्टेम्बर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो गया अगस्त तक नौ प्रतिशत डेफिसिट था सेप्टेम्बर में इतना बारिश हुआ कि अभी ऑलमोस्ट बराबर हो गया डेफिसिट नहीं है आई एम डी कैन फर्दर इम्प्रूव इट्स मॉडल्स टू फोरकास्ट शॉर्ट फॉल एज वेल एज एक्सेस रेंज तीन साल से अगर हम देखें ना तो मानसून बहुत अच्छा आया है 2019 में 110 सौ दस परसेंट एल पी ए था दो हज़ार लॉन्ग टर्म एवरेज का दो हजार बीस में एक सौ नौ और इस बार भी पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट सेवन का ही शॉर्ट फॉल है मतलब इट्स अ गुड मानसून तो दिस टेल्स कि अभी इंडिया को काफ़ी एडवांटेज मिला है पिछले तीन साल में रेनफॉल हुआ तो हमारे रिजर्व वॉयर भी फुल है इट इज़ गुड साउथ वेस्ट मानसून ऑफिशियली इंडिया में एंड हुआ 87.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ जून टू सितंबर में और 88 माना जाता है 88 माना जाता है 88.1 समथिंग कि उससे नॉर्मल रेनफॉल होगा तो ये पॉइंट सेवन शॉर्ट हुआ हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर तो दिस इज़ गुड लगातार तीसरे साल सरप्लस नहीं पर हमने रेनफॉल अच्छा हुआ है और आईएमडी ने इसको अच्छे से प्रडिक्ट भी करा तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम अगेन वही है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा दिस स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगस्त में पानी गिरना चाहिए यूजुअली अगस्त में पानी गिरता है तो फसलों को फ़ायदा होता है बट अगस्त में पानी नहीं गिरा डेफिसिट हो गया सेप्टेम्बर में इतना पानी नहीं आना चाहिए था इस बार एक्सेस हो गया तो यहाँ जो कम था उसकी भरपाई हो गई बट टेम्पोरल तो गड़बड़ हो गया ना जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था सेप्टेम्बर में ज्यादा अगस्त में कम दिस इज रॉन्ग क्लाइमेट चेंज तो ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम प्लस मच ऑफ द रेन वॉज फोकस्ड ऑन सदर्न इंडिया लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया यहाँ पानी गिरा ही नहीं बिलो रेनफॉल था तो पहले टेम्पोरल पैटर्न ये क्या हुआ स्पेटियल पैटर्न तो ये प्रॉब्लम तो है बट दिस इज नॉट कंसर्निंग फॉर टू रीजन्स द बेस लेवल ऑफ मानसून रेंज इज हायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देन द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड द रीजन ऑल्सो गेट्स रिट्रीटिंग मानसून विच नॉर्मली कमेंसेज बाय अक्टूबर एंड तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में पानी कम गिरा बट नॉर्थ ईस्ट का जो लेवल है वही हाई होता है उसका बेस हाई रहता है यूजुअली ज़्यादा पानी गिरता है नॉर्थ ईस्ट में तो अगर थोड़ा भी कम हुआ उससे तो वो डेफिसिट दिखेगा बट एक्चुअली में वहाँ पे पानी गिरा है ठीक ठाक सेकेंड नॉर्थ ईस्ट वगैरह में केवल साउथ वेस्ट मानसून नहीं यहाँ पे जो अक्टूबर एंड में रिट्रीटिंग मानसून आता है उससे भी बारिश होती है तो अभी भी होप है कि वाटर वहाँ पे गिरेगा अक्टूबर में तो बैलेंस आउट हो जाएगा प्रॉब्लम यह है कि पैटर्न चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है द टू की मंथ्स ऑफ खरीफ क्रॉप सोइंग जुलाई और अगस्त में होते हैं वहाँ पे मानसून आया नहीं तो फसल खराब होने के चांसेस बढ़ गए एक्सेस सेप्टेम्बर रेनफॉल हुआ मतलब क्रॉप डैमेज हुआ ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर तो ऑगस्त में गिरना चाहिए पानी गिरा नहीं सेप्टेम्बर में नहीं गिरना चाहिए तो ज़्यादा पानी गिर गया दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी करीफ प्रोडक्शन ऑल दो हमारा सरप्लस हुआ है आई एम डी का डेटा लास्ट लास्ट में ज़्यादा पानी गिरने से फेल नहीं हुआ बट फिर भी आई एम डी का डेटा ऑलमोस्ट फेल हो ही गया था तो आई एम डी को भी ये एक ब्रीदर तो मिल गया है बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो वापस ड्राइंग बोर्ड में जाए और देखे ये जो मॉडल्स है वो प्रेडिक्ट कर रही है उसमें क्या और अपग्रेड्स किए जा सकते हैं आईएमडी फेल तो नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट फेल हो गया था तो जो आईएमडी का प्रेडिक्शन मॉडल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड है सो दीज आर सम लाइंस कि ऑल दो में रेनफॉल करेक्ट हुआ बट जो टेम्पोरल और स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो कॉज ऑफ वरी है और दूसरी बात आई को भी डेटा फोरकास्ट बेटर कराना जरूरी है दिस इज़ आर बी आई माइक्रो फाइनेंस प्रपोजल्स दैट आर एंटी पोअर माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं स्मॉल टिकट फाइनेंस स्मॉल टिकट लोन जैसे कोई बिजनेस कर रहा है दो हज़ार रुपये का लोन चाहिए पाँच हज़ार का तो छोटे छोटे लोन होते हैं स्मॉल टिकट और ये माइक्रो फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज रूरल एरिया में वैसे ही फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है नहीं तो वो बहुत डिपेंडेंट होते हैं इस माइक्रो फाइनेंस पर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है जैसे सीड्स खरीदना है या कोई छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो बिजनेस कर पाए अब माइक्रो फाइनेंस को ग्रास रूट लेवल पे ले जाना ज़रूरी होता है हमने अभी एनपीए भी देखा था आप देखो जो माइक्रो फाइनेंस होता है ना इंडिविजुअल अगर लोन लेता है कोई तो वो टाइम पे पे करता है जितने बड़े डिफ़ॉल्टर हैं ना वो सारे डिफॉल्टर ये बड़े बड़े, बड़े बिग कॉरपोरेट हैं ये छोटे मोटे घपले भी नहीं करते पाँच करोड़ हज़ार करोड़ इस स्केल के करते हैं और उससे पूरा फाइनेंस सिस्टम ही वीक हो जाता है माइक्रो फाइनेंस इज़ गुड यहाँ हमें फोकस करना चाहिए प्रपोज गाइडलाइन है अभी जैसे आर का एक पेपर आया आर के पेपर में कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट है रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस में इस बात पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन को अगेन ज़्यादा फेवर कर रहा है माइक्रो फाइनेंस मतलब स्मॉल ग्रास रूट लेवल पे अगर प्राइवेट बैंक्स प्राइवेट क्रेडिटर ज़्यादा रहेंगे तो वो पर्पस डिफीट हो सकता है इंक्लूसिविटी का और इक्विटी का प्राइवेटाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट से रिड्यूस होगा शेयर ऑफ डायरेक्ट और चीप क्रेडिट फ्रॉम बैंक और इससे जो पुअर बोरोवर्स हैं वो मर्सी में आ जाएंगे प्राइवेट फाइनेंशियल एजेंसीज के तो इससे इनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा टू मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर हाउस होल्ड हमें एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसमें पब्लिक सेक्टर का भी एक सफिशेंट प्रजेंस बना रहे कमर्शियल सेक्टर कमर्शियल बैंक्स का भी रेगुलेशन ज़रूरी है प्राइवेट एंटिटीज़ में बट हम अक्सर देखते हैं जो हमने पहले भी बात किया है प्रेमचंद के जो उपन्यास होते हैं एक बार एक लोन लेता है और उस लोन पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पूरी जिंदगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस लोन को पटाने में चली जाती है वाई बिकॉज फॉर्मलाइजेशन नहीं है रूल्स नहीं है रेगुलेशन नहीं है दिस क्रेडिट सिस्टम के तो माइक्रो फाइनेंस जरूरी है ग्रास रूट लेवल पे स्मॉल टिकट लोन्स के लिए तो गवर्नमेंट का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ना चाहिए परसेंटेज बढ़ना चाहिए ये बात है ऑकस का ऑकस और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी न्यूज़ में है क्वाड भी न्यूज़ में तो वे फॉरवर्ड क्या रखें जैसे अगर अपन यू का हिस्ट्री देखें ना तो यू की अगर अपन हिस्ट्री देखें ना तो देर इज़ अ पैटर्न क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देर इज़ अ पैटर्न जैसे वर्ल्ड वॉर वन हुआ वर्ल्ड वॉर वन यूरोप में हुआ वर्ल्ड वॉर टू भी यूरोप में हुआ कोल्ड वॉर हुआ तो मोस्टली कोल्ड वॉर के जो थेटर्स थे वो या तो एशिया था या यूरोप था इधर एक बार बस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ वरना यूएसए अपनी लैंड पे कभी भी क्राइसिस नहीं होने देता है यूएस का कोशिश यही होता है कि वो बाहर जाके लड़े जैसे बाद में फिर इराक आएगा देन फिर ईरान होगा या फिर अफगानिस्तान फ़ाइट होगा सीरिया फ़ाइट होगा द पॉइंट इज अब जो नेक्स्ट बड़ा थ्रेट दिख रहा है या पूरा फोकस जो है वो है इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन पे अगर फाइट या वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो वो हमारे लिए भी कैट्सट्राफ़ी होगी बिकॉज वॉर जहाँ पे होती है ना वो डैमेज तो होता है उस एरिया में तो हमें इस बात पे अलर्ट रहना ज़रूरी है और माहौल ऐसा बन रहा है कि इंडिया और चाइना को भिड़ाओ तो इससे अगेन हमें लॉसेज हो सकते हैं चाइना को भी लॉसेज होंगे वॉर होता है तो वॉर में देर आर नो विनर्स एवरीबडी इज़ अ लूज़र सो हमें इसमें प्रैक्टिकली और प्रागमेटिकली सोचना ज़रूरी है अब जैसे ऑकस है फोकस एक अटेम्प्ट है यूएस का तो अब वो इंडिया तो है ही साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी प्रिपेयर कर रहा है टू काउंटर दिस चाइना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलता है यूएसए खुद को इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया कभी ये टर्म यूज़ नहीं करता इंडिया का एम है वो हमेशा बोलता है प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर है मतलब हम बंधे हुए नहीं है कि हम यूएसए से ही सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है वी आर ओपन यूएसए इज़ प्रिफर्ड बट नॉट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक सो so, हमारा एम ई ए ये स्टेटमेंट यूज़ करता है फ्रेज यूज़ करता है प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर ऐसे ही हम इसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं जबकि रशिया और इनके चाइना के डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं एशिया पैसिफिक बोलते हैं हम इसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखती हैं जैसे दो कंट्रीज़ के रिलेशन बताते हैं तो हम हमेशा बोलेंगे इंडिया यूएसए रिलेशन इंडिया रशिया रिलेशन इंडो चाइना रिलेशन ये नहीं कि चाइना इंडिया रशिया इंडिया नो सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स अब दस ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं कोऑपरेशन के वैक्सीन कोलेबोरेट करें क्लाइमेट एक्शन करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देखें रिजाइल सप्लाई चेन हो सेमीकंडक्टर हो डिसइंफॉर्मेशन को दूर करें काउंटर टेररिज्म को करें मेरी सिक्योरिटी अमंग अदर वेरी गुड कीवर्ड्स यूनिवर्सल टाइप कीवर्ड्स हैं हर जगह आप ये आठ दस कीवर्ड यूज़ कर सकते हो वेरी गुड टेन ब्रॉड सब्जेक्ट्स आई में यूज दीज की सो द पॉइंट इज कि ऑकस में यूएसए ऑस्ट्रेलिया को भी लिफ्ट कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कर रहा है चीजें बदलेगी फ्रांस के साथ डील कैंसिल हुआ फ्रांस इज नाउ लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया लेट अस सी हम यहाँ पे कैसे देखते हैं देन दिस इज ऑकस इंडिया को जरूरी है अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रखे नाउ दिस इज द चैलेंज ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल स्कूल ओपन हो रहे हैं बट अभी भी बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पे गाइडलाइंस ऑन रीओपनिंग स्कूल्स अभी फोकस कर रही है हेल्थ मेजर पे बट हम एलिफेंट इन द रूम को भूल रहे हैं और वो है लर्निंग आउटकम जो इम्पैक्ट हुए हैं उसको कैसे रिकवर करेंगे बहुत सारे बच्चे डेढ़ डेढ़ साल बाद स्कूल गए तो वो पढ़ना लिखना ही भूल गए तो द पॉइंट इज़ वी नीड टू वी नीड अ स्ट्रैटेजी एडिशनल लर्निंग मटेरियल चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हो टूल्स और टेक्निक्स हो और पोस्ट कोविड लर्निंग कैसे करें एजुकेशन ओवरऑल कैसे करें इस पर हम एम्थिसज करें तो ये कुछ छः सात पॉइंट्स हैं बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे जब भी स्कूल एजुकेशन रिलेटेड कोई बात बोलनी है आप ये सारे पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो फर्स्ट है स्ट्रांग फोकस हो इक्विटी पे इक्विटी क्या होता है जिसको जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से उस पर उतना अटेंशन दिया जाएगा फोकस दिया जाएगा सेकेंड है इफ़ेक्टिव एंड रेगुलर कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना इफेक्टिव और रेगुलरली ज़रूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स लेस देन 18 होते हैं पेरेंटल सुपरविजन इज मस्ट थर्ड इज़ टू सपोर्ट स्टूडेंट सोशो इमोशनल डेवलपमेंट अब आज के डेट में बच्चे इतने एक्सपोज भी हो रहे हैं इंटरनेट से इंटरनेट में कैसा प्रभाव पड़ रहा है उन पर हमें देखना ध्यान रखना ज़रूरी है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी फोर्थ जो है वो रीऑर्गेनाइज करें करिकुलम कोर एकेडमिक स्टिल्स स्किल्स पे हम फोकस करें और कोर अकेडमिक स्किल्स हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशेंसी डेवलप करिए आप अभी की लिस्ट देखिए लास्ट ईयर की लिस्ट देखिए इतने साल की लिस्ट देखिए वो स्टूडेंट जिसकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है उसका ऑटोमेटिकली फिफ्टी सिक्सटी परसेंट चांस ज़्यादा है सेलेक्ट होने का अंडरस्टैंड दिस थिंग अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए कोर एकेडमिक स्किल्स फोकसिंग ऑन लैंग्वेज लर्निंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होना चाहिए सी सेट होना चाहिए सी सेट से ना दिमाग खुलता है टेक्निकलिटी अच्छी आती है तो सी सेट भी प्रैक्टिस करिए एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा नहीं अगर आप 15 मिनट भी डेली कर रहे हो साल भरना दिस इज एनी डे बेटर देन बिन्ज स्टडिंग टूवर्ड्स एंड टड्स द एंड ऑफ सेशन और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन रोज थोड़ा पढ़ना ज़्यादा फ़ायदा करता है स्पेशली सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में तो डू दिस एलिमेंट्री ईयर्स में भी ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज डिसिप्लिन टूवर्ड स्टडीज सिंसियरिटी वगैरह फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ज़रूरी है तो ये तो चौथा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है एक्सटेंड करें लर्निंग टाइम एंड हायर एडिशनल टीचर्स ज़्यादा टीचर्स की भी ज़रूरत है बर्डनड नहीं हो ताकि टीचर अच्छे से पढ़ा पाए सिक्सथ है एनहेंस करे ट्रेनिंग एंड रेगुलर सपोर्ट टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी उनके लिए भी डिफिकल्ट है दिस कोविड नाइन्टीन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा सो वी नीड दिस देन सिक्योर करें एडिशनल फंडिंग टू एड्रेस द क्राइसिस अब ये सब काम करने के लिए पैसे लगते हैं तो हमें एक फंडिंग का भी सोर्स ओपन रखना पड़ेगा सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो स्कूल वापस ओपन हो रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है द मैट ऑन द मैट ये बात है पुलिस का पुलिस जो है उसको भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए राघवन साहब ने का एक नया कल्चर आया है एथिक्स का डेटरेंट पनिशमेंट अलू नहीं हो सकता हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कंडक्ट ऑफ द पुलिस हम पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट देने का क्या पर्पज होता है पहला पर्पज होता है डेटरेंस कि लोग डरे कि अगर ऐसा काम करोगे तो सीवियर पनिशमेंट मिलेगा तो डर के मारे वो गलत काम नहीं करेंगे दूसरा होता है जस्टिस किसी ने गलत काम किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए और तीसरा होता है रिफॉर्म रिफॉर्म मतलब अगर कोई जैसे पेटी क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिल रहा है तो वो दोबारा वो क्राइम नहीं करे तो ये पर्पज़ होता है पनिशमेंट का तो इसमें भी पुलिसिंग जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाए पुलिसिंग जो है वो फ्रेंड ऑफ पीपल होना चाहिए ये जो ब्रिटिश एरा का माइंडसेट है पूरी ब्यूरोक्रेसी में इसको चेंज करना ज़रूरी है स्ट्राइकिंग इनोवेशन हो डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं पब्लिक की बात सुनी जाए विमेन और एल्डरली पे ध्यान दें क्रैकडाउन दे आर होप हियर चाइना ने पिछले कुछ टाइम से टेक सेक्टर में क्रैक डाउन किया है ओवरहॉल कर रहा है जैसे एंट ग्रुप का भी आईपीओ भी आने वाला था जैक मा तो अंडरग्राउंड ही हो गए तो ये क्या मैसेजेस दे रहा है कि जैसे यूएसए ने भी बोला था ये जो टेक कंपनीज हैं दे आर टू बिग बहुत ज़्यादा पावर आ गई इनको तोड़ना और कंट्रोल करना ज़रूरी है जैसे अभी फ़ेसबुक है फेसबुक का व्हाट्सएप है फेसबुक का इंस्टाग्राम है फ़ेसबुक का खुद फेसबुक है अकलस भी है तो एक फेसबुक अगर आउटेज आया ये सारी सर्विसेज बंद हो गई तो इमेजिन अ वर्ड अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं एक साथ गूगल ट्विटर फेसबुक ये सारे ग्रुप्स दो चार चले जाएँ तो कितना बड़ा मेहम क्रिएट हो सकता है सो वी नीड बेटर रेगुलेशन प्लस जैसे ट्विटर वगैरह में ऑनलाइन हेट्रेड है प्रोपोगेंडा चलता है वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह डिस्टॉर्ट करके दिखा रहे हैं या फिर एक पब्लिक सेंटिमेंट बन रहा है मॉब हो रहा है इन सब चीज़ों पर सेफ ज़रूरी है तो ये चीज़ है जो चाइना ने स्टार्ट किया है वर्ल्ड में भी होगा अब इंडिया को इससे क्या एडवांटेज है इंडिया ना जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी है इन्वेस्टर्स हैं ऑन्टोप्रोनोर्स हैं उनको अट्रैक्ट करें इसके लिए हमें पॉलिटिकल विल चाहिए और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी चाहिए हम इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक गेंस ले सकते हैं अगर हम फ्यूचर पे फोकस करें फ्यूचर में हम स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो फ्यूचर पे फोकस करना ज़रूरी है नेक्स्ट बिग थिंग ओशन और स्पेस ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं सैटरडे आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज ऑन टॉप ऑफ एजेंडा होगा ऑनलाइन सिस्टम है फॉर एविएशन सेफ्टी डीआरडीओ एंड दिस ड्रोनस एट्सेट्रा भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट राइज हुआ है सेप्टेम्बर में विच इज़ गुड थिंग ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिकसन दैन दिस इज ऑनलाइन सिस्टम ड्रोन्स फ्लाइंग एरियल व्हीकल्स फोर्टी टू फाइटर स्क्वाड्रंस चाहिए जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा टेन टू फिफ्टीन ईयर्स में हमारा अराउंड थर्टी फाइव स्क्वाड्रन ही रह पाएगा अभी जैसे हमने राफेल ले लिया बट हमारे जो एयरक्राफ्ट है ना वो काफ़ी आउटडेटेड हो रहे हैं जैसे अभी मिराज है अभी कुछ बारह पंद्रह हमने मिराज लिए फ्रांस से बट वो इसलिए लिए ताकि उसके केवल स्पेयर पार्ट्स हम यूज़ कर सकें जो एग्जिस्टिंग मिराज टू है उसको कंटिन्यू रखने के लिए तो द पॉइंट इज जो पॉलिसी है प्रोक्योरमेंट की एविएशन प्लेन्स एट्सेट्रा वो बड़ी स्लो चल रही है उसमें ओवरहॉल करना ज़रूरी है हमें 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स चाहिए ताकि जो टू फ्रंट वॉर जैसा केस आए तो हम सक्सेसफुली खुद को डिफेंड कर पाए पाकिस्तान एंड हयर चाइना तो हमारी एयरफोर्स को 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स चाहिए बट अभी सीवियर डिक्लाइन चल रहा है हम कोशिश भी कर रहे हैं बट 35 से ज़्यादा ये हो नहीं पाएंगे अगले 10-15 साल में एल मार्क वन आ रहा है मार्क टू भी आ रहा है ए ए अभी और बुलाने वाले हैं हम राफेल आ गया है बट जैसे मिग ट्वेंटी वन है फ्लाइंग कॉफिन बन गया है ये इसको भी अब हटाना पड़ेगा एस फोर हंड्रेड भी अभी आने वाला है मिसाइल सिस्टम रशिया से सो द पॉइंट इज़ जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इसमें वी नीड टू डू बेटर इसका एक और एंगल भी है ये जो फोर्टी टू फाइटर स्क्वाड्रन की थ्योरी है ये पुराने टाइप के प्लेन्स के लिए थी एक्चुअली क्या होता है प्लेन्स एक लेते हैं ना तो वो हम हमेशा ऑपरेबल है या नहीं ये डिपेंड करता है जैसे जो सुखोई है ये बड़ा मतलब बहुत बड़ी मशीन है तो इसको मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्ट लगता है इसको एक बार फ्लाई करने के बाद वापस फ्लाइंग कंडीशन में लाने में टाइम बहुत लगता है तो इसलिए हमें फोर्टी टू फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ चाहिए थी बट जैसे अभी रफेल आया तो वन रफेल की स्क्वाड्रन इज़ इक्वल टू अराउंड वन पॉइंट फाइव टू टू स्क्वाड्रन ऑफ सुखोई तो ये नंबर भी थर्टी फाइव से मैनेज किया जा सकता है बट प्रॉब्लम वो नहीं है प्रॉब्लम है जो पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट है इसमें हमें बेटर करना है और जो डिले हो रहा है जैसे मार्क वन तेजस आ जाना था मार्क टू आ जाना था हम इतना डिले क्यों चल रहे हैं इस चीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है मेडिकल एजुकेशन बिकम अ बिजनेस देन सर्विस पीएमआई फ्लैग्स फर्स्ट हायरिंग हो रहा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बता रहा है हायरिंग बढ़ रही है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है रिव्यूइंग प्लान वन टाइम स्पेक्ट्रम लेवी पे इंडिया ऑनलाइन वीडियो कंजम्पशन एक्सप्लोड्स एडेड बाय पैंडमिक दिस इज़ गुड बट अगेन एंड अगेन आई कीप ऑन टेलिंग यू बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है ये काउंटर करेंगे आपकी प्रिपरेशन पर इससे बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है इमोशनल साइकोलॉजिकल और आईसाइट भी वीक होती है और ऐसे दिन भर वीडियो देखने से ना ये एंटरटेनमेंट है रियल एजुकेशन रियल जो तैयारी होगी वो आप कॉपी के पेन पर पे लिख लिख के देखो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको ये सप्लीमेंट्री है प्राइमरी नहीं है देन दिस इज़ ताइवान इशू चल रहा है किशीदा बाइडेन ने प्रॉमिस किया जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जापान के साथ उसको डिफीट करेंगे डिस्प्यूटेड आइलैंड विद रेस्पेक्ट टू चाइना चाइना और जापान में दो एक आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड है तो वहाँ पर यूएसए चाइना को बैक करेगा ये सेन काकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी आइलैंड नोन हैन काकू आइलैंड इसको चाइना भी क्लेम करता है और जापान भी क्लेम करता है तो डिस्प्यूटेड है ओके दैन दिस इज दिस इज़ राजस्थान रॉयल्स दिस इज स्पोर्ट्स अभी इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस दैन दिस इज पेज नंबर टू अभी अस्टिच इन टाइम एक सेम भी है अस्टिच इन टाइम सेव्स डाइन टाइम पे किया गया काम सबसे अच्छा काम होता है प्रिपरेशन अंडर वे फॉर दुर्गा पूजा पांडाल एट दिस कालीबाड़ी टेम्पल इन सी आर पार्क मोस्ट ऑफ़ यू प्लान की आप क्या प्लान करते हो ये एग्जाम कितने साल में निकालना है वन ईयर में निकलना है तो आपकी पढ़ाई भी फोकस भी इंटेंसिटी भी वन ईयर जैसा ही होना चाहिए ओके okay? बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है गो फॉर स्टडी दैट इज़ वाई कीप ऑन टेलिंग यू फुल थ्रॉटल पढ़िए एक बार डिसाइड कर लिया ना पढ़ना है पूरा फुल थ्रॉटल घुमा के पढ़िए अ स्टिच इन टाइम सेव्ज नाइन क्योंकि आप जितना जल्दी सर्विस में आओगे उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको सर्विस करने का बिकॉज रिटायरमेंट एज तो फिक्स है जल्दी आओगे ज़्यादा टाइम सर्विस करने का मिलेगा तो जब डिसाइड कर ही लिया है ये करना है तो फुल थ्रोटल एफर्ट्स मारी है वहाँ पर इंडिया नीड्स दीज मैनी एक्स्ट्रा टीचर्स टू मीट शॉर्ट फॉल और दिस इज चाइनीज स्टिल डिप्लॉयड थ्री एयरबेस लद्दाख और इंफ्रा भी बना रहा है चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है डिजिटाइज करें हेल्थ केयर को अच्छी बात है बट गो स्लो फोर्स नहीं करें अदरवाइज रिप्रोकशंस होंगे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हाउ नॉट टू टेस्ट क्वालिटी एन आई आर एफ रिफ्यूजी लॉ ये है पेंडोरा पेपर्स और ये मूवी स्टार इन स्पेस रशिया ब्लेम्स कोविड डेथ ऑन वैक्सीनेशन रेट ये नोबेल मिला है जैसे क्लाइमेट चेंज में अब सी जैसे ये मॉडल है ये मैनाबे का क्लाइमेट मॉडल है इन्होंने ये बताया कि जैसे हम देखते हैं ना रेडिएशन आ रहा है सन से है ना फिर ये जब वापस जाता है तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है जो आउट गोइंग रेडिएशन है उसको स्टॉप कर लेती है तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है बट आउट गोइंग सोलर रेडिएशन को ये स्टॉप कर लेगी तो हीट यहीं पे स्टोर रहेगी ये हमारा एटमॉस्फेयर है और इसी के कारण एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर बना रहता है जो लाइफ सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है प्रॉब्लम तब होती है जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई तो ये टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं सी लेवल राइज होता है एट्सट्रा तो ये जैसे मॉडल है इस मॉडल से इन्होंने फिजिक्स का देखा कि इन्फ्राड हिट रेडिएशंस जो है उसको स्टॉप कर रहा है फिर एक कन्वेक्शन होता है कन्वेक्शन मतलब गर्म हवा यहाँ से ऐसे ऊपर उठेगी अपड्राफ्ट होगा अपड्राफ्ट होगा जैसे इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा आती है अपड्राफ्ट होता है फिर ये टूवर्ड्स दिस सब ट्रॉपिक जाता है फिर डाउनवर्ड आता है ऐसे करके सेल्स बनते हैं तीन सेल पड़े ना हेडले सेल फेरल सेल एट्सेट्रा तो ये जो मूवमेंट है गैसेस का मूवमेंट है इन सब का इन्होंने फिजिक्स मॉडल बनाया क्लाइमेट मॉडल बनाया और डिफरेंट जो फंक्शनिंग हो रही है जैसे वाटर साइकिल हो रही है एयर मास ट्रांसफर हो रहा है एट्सेट्रा उसको एक्सप्लेन किया तो इसीलिए आपको नोबेल प्राइज़ मिला यहाँ पर ओके तो हेडले फेरल और पोलर तीन सेल्स हैं ये देन फेसबुक एंड व्हाट्सएप का आउटेज हुआ ये बात है एंटी डिफेक्शन का एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि अगर आपने एक पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी से चुनाव लड़ा चुनाव लड़के आप पहुंच गए संसद में वहां जाके आपने पार्टी की सदस्यता खत्म कर दी तो आपकी संसद की सीट भी चली जाएगी एक केस ये है दूसरा केस ये है आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े संसद जाके आपने कोई पार्टी चूज कर ली तो आपकी सीट चली जाएगी तीसरा केस ये है कि आप नॉमिनेटेड हो बट छः महीने के अंदर तो आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो छः महीने के बाद अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन की तो आप भी एंटी डिफेक्शन के अंदर बाहर हो जाओगे तो एक टाइम था हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती थी आया राम गया राम टाइप था लोग फ्रिक्वेंट पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते थे इनस्टेबिलिटी आती थी तो नाइनटीन में टेंथ शेड्यूल आया पर्पज़ था स्टेबिलिटी लाना लेजिस्लेचर का कि पैसों के कारण या फिर पर्पजेज एट्सट्रा के कारण डी स्टेबिलिटी नहीं आए पॉलिटिकल सिस्टम में तो स्टेबिलिटी तो इतना दिखी नहीं हमें बट ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये भी इतना डिलीवर नहीं कर रहा है जो इसका मैंडेट था तो इसमें रिफॉर्म्स भी आते हैं जैसे जो स्प्लिट था उसको हटा दिया बट मर्जर अभी भी है प्लस नॉमिनेटेड पार जो मेंबर है वो विद इन छः मंथ कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है तो ये तो कुछ इश्यूज हैं बड़े इशू ये हैं कि जो वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है ये डिसाइड कौन करेगा कि डिफेक्शन कब लगाना है अभी के नियम के अनुसार कि जो पीनलाइज करना है डिफेक्शन को तो वो करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ़ राज्यसभा तो इनके पास ये मैंडेट है अब स्पीकर को ऐसा भी प्रोविज़न है कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का है उससे रिजाइन कर सकता है डिफेक्शन नहीं होगा अगर स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी की मेम्बरशिप छोड़ते हैं तो बट कई बार जो स्पीकर होते हैं क्या इनका जो कंडक्ट है क्या वो बायस तो नहीं है या इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है तो कई बार ये पेंडिंग ही हो जाता है बहुत टाइम तक डिसीज़न ही नहीं आ रहा है और इस टाइम पे पूरी लोकसभा ही खत्म हो गई ये सवाल उठते हैं प्लस पहले ये था कि इस डिसीज़न को आप चैलेंज नहीं कर सकते जुडिशरी ने बोला स्पीकर चेयरमैन के डिसीज़न को भी हाई को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है हायर जुडिशरी में तो जुडिशल रिव्यू है बट जो पहले दफ़े स्पीकर को यहाँ पर बनाया गया है कोजी जुडिशल बॉडी स्पीकर चेयरमैन को इनके रोल पर भी सवाल उठते हैं टाइम फ्रेम क्यों नहीं है रोल ऑफ स्पीकर क्यों नहीं है और जो पर्पज़ है एंटी डिफेक्शन का वो फुलफ़िल क्यों नहीं हो रहा है तो इसी बात पे सवाल है एंटी डिफेक्शन लॉ डब्लू का मैंडेट है ट्रेड बड़ा है वॉल्यूम ग्रोथ एटलीस्ट टेन पॉइंट एट परसेंट नॉर्मल सी आ रही है जिससे अब सत्तर प्रतिशत लोगों को वैक्सीनेशन लग गया तो चीज़ें अब बेटर होगी सर्विसेज पी एम आई ईज हुआ सेप्टेम्बर में कोल का क्रंच चल रहा है डब्ल्यू टी ओ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ट्रेड तो दिस इज़ द इंडियन एक्सप्रेस अब हम एक बार क्विकली देखते हैं रामसर वेटलैंड साइट्स ये जो डेटा है अगस्त 2021 तक अपडेटेड है रामसर साइट्स है इंडिया की ओके okay? क्विकली ये कोलेरू है कोलेरू का है आंध्रा में है तिपोर बिल का है असम में है कबरताल कहाँ पर है बिहार में ये डेट भी लिखा हुआ है ये कब यहाँ नई वेटलैंड बनी ये 2020 में बनी कबरताल नल सरोवर गुजरात में है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है वाधवाना नया बनाए गुजरात में है सुल्तानपुर हरियाणा भिंडावाज हरियाणा नया चंदरताल हिमाचल डेम हिमाचल रेणुका हिमाचल वुलर जम्मू होकेरा जम्मू सुरिंदर मंसर जम्मू सोमोरि नया दिस इज अगेन जम्मू नहीं ये टू का है अष्टामुडी केरला सस्तम कोटा केरला ंद केरला सोकर ये नया है लद्दाख सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख भोज मध्य प्रदेश लोनार महाराष्ट्र लोनार किस टाइप की लेक है फ्रेश वाटर है सलाइन है क्या है लोनार दिस इज नंदूर महाराष्ट्र लोकटक मणिपुर लोकटक लेक क्यों इतनी फेमस है भीतर कनिका मैनग्रोव ओडिशा चिलिका ओडिशा ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब हरिके पंजाब कंजली पंजाब केशोपुर मियानी पंजाब नांगल पंजाब रोपर पंजाब केवलादेव राजस्थान सांभर राजस्थान पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु रुद्रसागर त्रिपुरा नवाबगंज यूपी पार्वती आगरा यूपी समन बर्ड सेंचुरी यूपी समस्पुर यूपी सांधी यूपी यह भी नए हैं 2019 हज़ार उन्नीस नवर जल झील यूपी सरोवर यूपी अपर गंगा पुराना है ये भी यूपी आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड बंगाल सुंदरबंश बी बेंगलोन बंगाल तो ये कितने हो गए फोर्टी सिक्स हैं ये अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए राज्यों से मैच करो तो ये पता होना चाहिए अगस्त 2021 सो दीज आर वेटलैंड्स ये सी सेट सोल्यूशन है एरिया ऑफ पार्क दिया है इतना लॉन का एरिया इतना है तो जो बचा हुआ एरिया हुआ वो क्रॉस रोड्स का हुआ जो बीच में से रोड्स बनी हुई है तो उसका एरिया ये हो गया विथ एक्स थी बस टोटल कर दीजिए सो दैट इज़ एक्स दो वैल्यू आएगी इसको डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इतना लेंथ हो ही नहीं सकता यहाँ पे लेंथ विथ ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो एक्स इज इक्वल टू थ्री तो विथ हो गई तीन मीटर देन एरिया दिया है फॉर्मूला लगाइए दिस इज़ सेवन फोर्टी फोर मीटर स्क्वायर अब एरिया आ गया कॉस्ट था पचहत्तर पैसे तो दिस इज़ फाइव फाइव एट डायमीटर शॉर्टेस्ट साइड का था निकालना था लार्जेस्ट सर्कल जो रेक्टेंगल में ऐसे आ पाएगा तो शॉर्टेस्ट साइड ये है तो इसका जो ब्रेड है वो इसका डाया हो गया तो डाया हो गया सेवन एरिया पास्क स्क्वायर वन फिफ्टी फोर इज आंसर वॉन्ट इज रिलेटेड टू फ्लॉन्ट वैसे ही डिस्पैरट इज रिलेटेड टू वॉट सिनोनेम एंटो क्या है टेल थर्टी फोर इज रिलेटेड टू ट्वेल्व इन द सेम वे फिफ्टी नाइन इज़ रिलेटेड टू वॉट क्या लिंक हो रहा है थर्टी फोर और ट्वेल्व में वैसे ही फिफ्टी नाइन और इधर की कोई लिंक होगा एग्जिबिट का डिस्प्ले है तो सेंड का क्या होगा सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे ये सी सेट है ये सारे वेटलैंड है इसका लिस्ट भी अभी मैं शेयर कर दूंगा ये सारे एक बार जल्दी से गो थ्रू करिएगा दैन दिस इज़ फिजिक्स का नोबेल आ गया एंटी डिफेक्शन है दिस इज अबाउट बैक टू स्कूल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन स्कूल रीओपनिंग करना है हमें हाउ एजुकेशन कैन इमर्ज स्ट्रॉगर देन बिफोर कोविड नाइनटीन नया जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसमें एजुकेशन कैसे बनाए देन आर बी आई का माइक्रो फाइनेंस है पीएम जय पे आप एक नोट प्रिपेयर करिए सो दिस इज सिक्स ऑफ अक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ